नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे, टकाटक होंगे। आज वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, पर आपके लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं, करियर की बात करूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना और ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, इनकॉर्पोरेट करना अपनी लाइफ में अगर आपको सच में ग्रोथ चाहिए तो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करी है तो बस यही पता लगता है कि यार वो बस लगे हुए हैं अपनी पढ़ाई में कि सर इतना ज़्यादा सिलेबस, इतने ज़्यादा पढ़ाई, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे कवर करें, अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें जो नई चीज़ें हैं उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करो, लाइफ की गाड़ी को अच्छे से आगे कैसे बढ़ाएं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि बस वो SIPs, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टोस करेंसीज में लगे होते हैं, पर उससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है जो मिस आउट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में उसकी बात करेंगे जो कि आपको लाइफ में बहुत मदद करने वाली है। सो डू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड लेट मी नो आपके क्या व्यूज होने वाले हैं इस वीडियो पर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ बिग बैंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बेसिकली एक स्टूडेंट जब आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप करने के लिए निकलता है तो दो टाइप की फर्म में जाता है। सबसे पहला होता है स्मॉल साइज फर्म, जहां पर इतने ज्यादा बड़े क्लाइंट्स नहीं होते पर नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं, और दूसरे बिग फोर या फिर बड़ी मिड साइज फर्म्स, जहां पर एक्सपीरियंस तो ज्यादा होता है पर डिपार्टमेंटलाइजेशन और एक पर्टिकुलर एरिया का एक्सपर्टीज आपको देने की कोशिश की जाती है। तो दोनों फर्म के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। आज इस वीडियो में मेजरली डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे दोनों फर्म की। सबसे पहला, अगर आप कोई स्मॉल साइज फर्म में जा रहे हैं जहां पर नंबर ऑफ क्लाइंट्स तो बहुत ज्यादा है पर टाइप ऑफ वर्क कम है या फिर बड़े क्लाइंट्स कम है, मतलब अब इस एरिया में जब आप स्मॉल साइज फर्म में जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया का सेक्टर वाइज एक्सपीरियंस कम मिलेगा, आपको एक बहुत बड़ा क्लाइंट को एक्सपीरियंस करने का, उसको हैंडल करने का एक्सपर्टीज, उसको एक्सपीरियंस कम मिलेगा। आपको जो स्किल्स रिक्वायर होती है बड़ी बड़ी एक्सेल शीट्स को मैनेज करने के लिए, बड़े बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा एनालिटिक्स लगाने के लिए, जो सॉफ्टवेयर्स, ERPs वगैरह बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनीज में यूज होते हैं, वो चीजें सीखने को कम मिलेगी। और यहां पर एक स्टूडेंट बैक हो जाता है जब अब उसको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बड़ी कंपनीज को बताना पड़ता है कि मुझे उस लेवल का एक्सपीरियंस आता है। इसीलिए जब मिड साइज फर्म या फिर बहुत ज्यादा छोटी साइज फर्म में बात करें तो आप एक बहुत ही छोटी सिटी में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया सीख सकते हैं, पर जो टॉप नॉच स्किल्स है, जो सॉफ्टवेयर्स का आपको नॉलेज होने की जरूरत है, जो आपको एक्सेल की पकड़ होने की जरूरत है, वो आप स्मॉल साइज फर्म में नहीं सीख सकते। और वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर स्टूडेंट लैग बिहाइंड करते हैं अपने लॉन्ग टर्म करियर में। अगर सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो आती है बिग फोर फर्म्स। अब यहां के भी कुछ डिसएडवांटेजेस जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर दे दिया, एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया, तो आपको उसका महाराजा बना दिया जाएगा, पर अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करेंगे तो आप उसमें लैग बिहाइंड करेंगे। अगर मैं अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि यार मैं अपने इनिशियल डेज में कोई ऐसा काम करूं जिसमें मैं बहुत महारत हासिल कर लूं पर दूसरे काम में मुझे कुछ भी नहीं आता हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं एक्सप्लोर करूं चीजें। अभी अभी तो मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, टैक्स, SFM, फाइनेंस, अकाउंट्स, बहुत सारी चीज मेरे दिमाग में है, पर लेकिन मुझे काम करना पड़ रहा है एक जिसमें मैं एक्सपर्टीज तो ले पा रहा हूं लेकिन दूसरी चीज देखने का भी मौका नहीं मिल रही है। इसीलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस बिग फोर फर्म्स का है कि आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के तो महाराजा बन जाएंगे पर दूसरे काम आपको नहीं आएंगे। स्मॉल साइज फर्म आपको हेल्प करती है कि आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर पाए, लेकिन बिग फोर फर्म में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिससे आप अपनी जॉब में तो मदद करेंगे, लेकिन जॉब में भी तभी मदद हो पाएगी जब आप उस एरिया में पर्टिकुलरली जा पा रहे हैं और दूसरी चीजों में आप नहीं जा रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को ध्यान देना चाहिए कि हां मुझे अपनी लाइफ में सारे एरियाज को टच करके आना है एंड देन चूज करना है कि मुझे करियर में आगे क्या करना है। बिकॉज अगर आपने एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ लिया, उसमें एक्सपर्टीज ले ली, तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में वो काम करें जो आप करना नहीं चाहते थे पर मजबूरी में आपको करना पड़ रही है बिकॉज आपको नॉलेज है तो उस पर्टिकुलर एरिया का। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें, जब भी कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है उसको सीखें, इनकम टैक्स की साइट पर जाएं, उसके डिफरेंट डिफरेंट टैब्स तैयार करें, खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश करें, अपनी फैमिली का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश करें, डिफरेंट क्लाइंट्स जिसका आपको काम नहीं मिला है अपने दोस्त से, जो आप अपना कलीग है उससे समझिए, GST रिटर्न फाइल करने की कोशिश करिए, अपने रिलेटिव का GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके रिटर्न फाइल करने की कोशिश करिए, क्योंकि एरियाज आप जब तक डिस्कवर नहीं कर पाएंगे तो खुद का एरिया डिस्कवर नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार मैं अपनी लाइफ में करना क्या चाहता हूं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें
तैयारी करें, उसको टेस्ट करें, और ये तभी हो पाता है जब आपको उसका मौका मिलता है। अगर इंटरव्यू की बात करूं, जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यूअर चेक करता है कि आपको किस एरिया का नॉलेज सबसे ज्यादा है। मैंने देखा है कि जो बैंक ऑडिट्स वगैरह किए होते हैं, जो स्टॉक ऑडिट्स किए होते हैं, वो बैंक ऑडिट बैंक्स के इंटरव्यूज में सफल होते हैं एज कंपेयर टू द दोस्त जिसने बैंक ऑडिट किए ही नहीं होते हैं। मतलब बात सिंपल सी है कि इफ यू नॉट ट्राई द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, यू माइट एंड अप नॉट डिस्कवरिंग योर ट्रू टैलेंट, योर ट्रू स्किल, कि यार जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट है आप वही कर रहे हो लाइफ में। इसीलिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चीज सीखनी पड़ेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है। अब ये कैसे करें? यस, यू आर राइट, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में जिसका आपको नॉलेज ले सकते हैं, आप उसमें बिल्ड कर सकते हैं खुद की एक्सपर्टाइज, पर प्रॉब्लम है ऑथेंटिसिटी और सच में वो कोर्स आपको वैल्यू एडिशन दे। अब मार्क करिए मेरे वर्ड्स, आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू थिंकिंग ब्रिज। हो सकता है आपने इसका नाम सुन रखा हो लेकिन बाद में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम सच में वाला कोर्स लें या नहीं लें, तो मार्क माय वर्ड्स, आप वाला कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसने मेरे कांटेक्ट में है उन्होंने कोर्स लिया है और उनके लाइफ में वैल्यू एडिशन भी हुआ है। यू कैन यूज माय कोड मोहित जिससे आपको अप्रोप्रिएट डिस्काउंट में मिले। पर सबसे जरूरी है कि आप ये स्किल सीखे कम से कम एक बार जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जीएसटी में, ऑडिट में, डेटा एनालिटिक्स में, ट्रांसफर प्राइसिंग में। अगर आपको इन चीजों का मास्टर बनना है तो उनकी मास्टर क्लासेस आप परचेज कर सकते हैं और खुद की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप ट्राई नहीं करेंगे कि हाँ ये भी चीजें मैं सीखूं, तो आप शायद सोच ही ना पाए कि यार इसमें ही सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आता है, यही चीज मुझे आगे करियर में करनी है। क्योंकि अगर आप एक ही फील्ड में घुसे रहे, उसी चीज का काम सीखा, तो आप सच में लाइफ में कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट आता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके क्या व्यूज हैं इस पे, और क्या आपने ऐसा कोई कोर्स देखा है पहले और लिया है जिससे आपको क्या वैल्यू एडिशन मिला है। सो डू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, और आपको किस किस टॉपिक पर अलग अलग वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार।